हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सबका अपनी इस न्यू वीडियो में। पेपे वॉलेट, बिल्कुल हाँ, पेपे वॉलेट कुछ टाइम पहले ही आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया था और इसमें सभी को कुछ कॉइन्स मिले थे लगभग $21 के आसपास के। और वो कॉइन्स आप किस तरीके से मेननेट में ट्रांसफ़र करेंगे, किस तरीके से क्या करेंगे, मैं लाइव वीडियो में आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। और इसके साथ ही आपको वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको पेपे वॉलेट पहले तो प्ले स्टोर पे आप जाइएगा, वहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन आएगा, अपडेट कर लीजिएगा, नया आपका ये वॉलेट बन जाएगा। ओपन करेंगे इस वॉलेट को, तो ओपन करने के बाद जैसे आपको दिखाई देगा तो यहाँ पर आपने इसका की वगैरह सेट किया होगा, वो आप डाल लीजिएगा, ठीक है। ये वो डालने के बाद आप यहाँ पर इसको जैसे आप लॉग इन करेंगे दोस्तों, तो और इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपके पास कितने पेपे वॉलेट कॉइन्स हैं। और ये पेपे वॉलेट कॉइन्स जो हैं ERC-20 में हैं। इसको आपको बाइनेंस BSC में ट्रांसफ़र करना है और मेन नेट में, देखिए मेन नेट में ट्रांसफ़र करेंगे। जो मेन नेट वाले कॉइन है अभी हमारे पास एयर ड्रॉप में पड़े हैं, जो मेन नेट वाले कॉइन है कंपनी, मतलब ये प्रोफाइल ऐसा बोल रहा है कि हम मेन नेट वाले कॉइन को विड्रॉल कर पाएंगे, अगर ये एयर ड्रॉप में पड़ा रहेगा तो विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, ऐसा इनका कहना है। तो मैं एक काम करता हूँ कि पेपे वॉलेट एयर ड्रॉप में मैं क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, एक ऑप्शन मेरे सामने आ रहा है, देखो, डोंट मिस दिस कम्युनिटी एयरड्रॉप, पेपे वॉलेट टोकन प्राइस विल पोटेंशियली रीच $0.2 तक जा सकता है, ऐसा इनका कहना है। क्लिक ब्लू एंड सेव ऐप योर एयरड्रॉप टोकन टू BSC मेननेट, मतलब आप इसे BSC मेननेट में क्लेम कर लीजिए। इवेंट इज एंडिंग सून और जल्दी ये ख़त्म भी हो जाएंगे, तो आप इसको जितना जल्दी हो सके कर सकिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली, यहाँ पे अभी आपको ये जो प्रोसेस है पूरा मैं आपको दिखाऊंगा। स्वैप बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं स्वैप बटन पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो ये आगे क्या प्रोसेस दिखा रहा है आप देखेंगे लाइव। यहाँ पे ये फीस मांग रहा है, देखिए आपको ट्रांजेक्शन, ये कह रहा है कि ये जो सेंटर है ना, और यहाँ पर ये बोल रहा है इतना आपको फ़ीस होना चाहिए। अगर आपके पास इतना BSC BNB पड़ा हुआ है इसमें, तब तो आप इसे कन्फर्म करेंगे, नहीं तो आप इसे अभी फ़िलहाल कैंसिल करेंगे। तो इसके लिए पहले आपको यहाँ पर इनके BNB एड्रेस पे, यहाँ पे आप देखिए, जब मैं स्वैप पे क्लिक किया था तो यहाँ पे कितना बोल रहा था, 1.36 BNB बोल रहा था। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, इतना BNB मिनिमम आपका इससे 2-4-5 रुपये का ज़्यादा रख लीजिएगा, 1.36 USD का, 0.0057 BNB मिनिमम इतना यहाँ पे होना चाहिए। तो जिन लोगों को ये कन्वर्ट करना है, देखो मैं सभी को नहीं बोलूँगा, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि फ़ंड आपका अपना लगना है, रिस्क भी है, $1-2 का रिस्क लेना पड़ेगा अगर आपको ये चाहिए तो। हो सकता है कि आगे अच्छा प्रॉफिट दे दे, और हो सकता है कुछ भी ना दे, अगर नहीं कुछ भी नहीं देगा तो $1-2 हमारे जाएंगे, और देगा तो हम इसमें अच्छा कमा सकते हैं। तो मैं BNB पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसके रिसीविंग एड्रेस पे क्लिक करता हूँ। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये एड्रेस आएगा और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करके मैं चलता हूँ अपने ट्रस्ट वॉलेट पर। ट्रस्ट वॉलेट में मैं चलने के बाद यहाँ से ट्रस्ट वॉलेट से इस कॉइन BNB को, जो कि 0.0057 मिनिमम बोल रहे हैं, तो मैं वहाँ से कुछ BNB यहाँ ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 0.008 पड़ा हुआ है ना, और वो वहाँ पे 0.0057 ही मांग रहे हैं, तो मैं यहाँ से इसको सेंड करता हूँ 0.00। पहले मैं एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे 0.0057 मांग रहे थे, मैं 6 कर देता हूँ, ठीक है, इतने का कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ सिलेक्ट, और इसको कर देता हूँ कंटिन्यू। इसको करने के बाद यहाँ से मैं जैसे ही सेंड होगा, देखते हैं कितनी देर में वहाँ पे जो है मेरा BNB रिसीव होता है, और मैं आपके सामने लाइव स्वैप करूँगा। ये मेरा अपना रिस्क है दोस्तों, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ करके, मर्ज़ी है आपकी, आप करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो मत करो, ठीक है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा वो आप लोगों का होगा, जो नुकसान होगा 100-150 रुपये का वो भी आप लोगों का। मेरे सामने 118 रुपये का मैंने BNB आपके सामने लाइव भेजा है, ठीक है। देखो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, सक्सेस हो गए, और मैं यहाँ पर अब जाके देख लेता हूँ कि मेरे पास ये रिसीव हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मेरे पास देखिए, मेरे मैंने 0.006 भेजा था, तो यहाँ पे 0.006 इंस्टेंट पेमेंट एकदम तुरंत आ जाती है, ठीक है। अब मैं अपने जो मेन एयर ड्रॉप टोकन है इसको मेन नेट में भेजूँगा यहाँ पे। अब मैं इसमें यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, अब मेरे पास पैसा है, BNB है, तो स्वैप बटन पर मैं क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद मैं दोस्तों यहाँ पर अब मैं कन्फर्म करूँगा, क्योंकि मेरे पास फ़ंड है, ठीक है। तो मैं कन्फर्म पर जैसे ही क्लिक करता हूँ, ये फिर कोड मांग रहा है, मैं इसमें कोड डाल देता हूँ। ये डालने के बाद अब देखते हैं ये क्या बोलता है, यहाँ पे ये प्रोसेसिंग ले रहा है, और ये देखते हैं अब ये मेरा स्वैप होता है या नहीं होता है। आपके सामने जो है वो लाइव है, ठीक है, कुछ भी झूठ नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ वो दिखा रहा हूँ, मैंने लाइव आपके सामने BNB सेंड किया, स्वैप कंप्लीटेड सक्सेसफुली।
तो मेरे जो ये टोकन्स हैं एयरड्रॉप के, ये मेरे विड्रॉल में जा चुके हैं दोस्तों, ये विड्रॉल लग चुके हैं, ठीक है। और ये विड्रॉल लग चुके हैं और ये विड्रॉल होके मेरे कहाँ पे जा चुके हैं दोस्तों, मेन नेट में जा चुके हैं, ठीक है। ये आप देख लेते हैं थोड़ा रिफ्रेश करके कि ये इंस्टेंट मेन नेट में आ रहे हैं या कुछ टाइम बाद मेन नेट में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी मेन नेट ये रिफ्रेश हो रहा है, तो देखिए BNB मेरा यहाँ से कट चुका है ना, क्योंकि ये तो आपको पता है कि मेरा कहाँ पे यूज़ हुआ है। ट्रांजेक्शन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मे भी शायद दिखाएगा भी कि कहाँ कहाँ मेरा इसका ये कटा है, ठीक है। ये देखो साथ के साथ दिखा रहा है, ये BSC स्कैन पे दिखा रहा है और लाइव दिखा रहा है, दैट्स ग्रेट। मतलब पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि साथ के साथ नीचे BSC स्कैन भी खुला हुआ है। ये बहुत ही बढ़िया, मतलब एप्लीकेशन अगर ये बनाना चाहें तो बन सकती है और एक अच्छा प्रॉफिट हम लोगों को दे सकते हैं। अच्छा, पेपे वॉलेट जो एयर ड्रॉप था वो यहाँ पे मेरा जीरो हो चुका है, देखो जीरो पे हो गए, 3,78,000 कॉइन थे मेरे। अगर मैं अपने स्वैप बटन पे क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं आने वाला है क्योंकि वो सारे कॉइन मेरे यहाँ से जा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। लेकिन जो कॉइन्स हैं मेरे वो कहाँ आएंगे, मेरे को मेन नेट में आएंगे। अभी तो मेरे मेन नेट में मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर स्वैप का वो ऑप्शन है, रिसीव का ऑप्शन है, मतलब मैं किसी से मंगवाना चाहूँ तो स्वैप करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, और स्टेक करना चाहूँ तो अभी लॉक है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये आने में 1 से 1.5 घंटे का टाइम ले लेते हैं, लेकिन मेरे डॉलर इतने ही दिखाई दे रहे हैं कि हाँ आपके पास इतना डॉलर का फ़ंड अवेलेबल है, ठीक है, फ़िलहाल दिखाई दे रहा है। और ये 1 से 1.5 घंटे में मेरे पास यहाँ पे आएंगे। जैसे ही यहाँ पे आएंगे मैं स्वैप पे जैसे क्लिक भी करूँगा ना इसको, तो यहाँ पर ये चीज़ एक चीज़ बोल रहा है, ये देखिए यहाँ पर बैलेंस तो दिखा रहा है ये, ठीक है, देखो बैलेंस दिखा रहा है। और मैं अगर इसको मैं स्वैप कर दूँ, स्वैप करूँ इसमें BNB में कर देता हूँ या किसी भी चीज़ में कर लेता हूँ, BNB में कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि मैं ये सारे कॉइन्स 3,78,000, ठीक है, कॉइन अगर मैं BNB में स्वैप करना चाहूँ, ठीक है, BNB में, ठीक है, तो ये यहाँ पे इनकी एक वैल्यू तो दिखाएगा, ठीक है, एक वैल्यू दिखाएगा यहाँ पे, लेकिन क्योंकि मेननेट में नहीं है मेरे, इसलिए नहीं दिखा रहा है, नहीं तो यहाँ पर वैल्यू दिखाएगा। और मैं अगर इस पर इसको स्वैप पर क्लिक करूँ, तो स्वैप पर क्लिक करने पर आपको ये दिखा रहा है कि ये जो कॉइन्स हैं आपके यहाँ पे कॉइन्स इस तरीके से दिखाई देंगे। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये बोलेगा कि आपके जो कॉइन्स हैं वुड बी अवेलेबल टू विड्रॉल आफ्टर एक्सचेंज लिस्टिंग, यानी जब ये एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा उसके बाद आप अपने मेननेट वाले कॉइन्स को, जो मेननेट में मैंने अभी विड्रॉल लगाया है, मेननेट में मेरे आ जाएंगे कुछ देर बाद, तो वो कॉइन्स मैं एक्सचेंज लिस्टिंग के बाद विड्रॉल कर सकता हूँ। तो आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि मैंने एयर ड्रॉप वाले को मेननेट में भेजा है, ठीक है, वो क्लियर हुआ होगा। कुछ BNB की मेरी फ़ीस लगी है वो मैंने पे की है, वो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं डिसीज़न आपका खुद का होगा। जो लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं, जिनके पास कुछ ज़्यादा कॉइन्स हैं वो कर लीजिए, वो 100-125 रुपये का एक रिस्क लेके देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आगे अच्छा प्रॉफिट दे दें, और अगर प्रॉफिट नहीं देगा तो 100-125 रुपये जाएंगे, बस इतना लॉस होगा, ठीक है। तो दोस्तों क्लियर हुआ होगा आपको सब कुछ, मैंने अच्छे से आपको लाइव करके दिखाया है, उम्मीद करता हूँ वीडियो क्लियर हुई होगी। अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता है ये, अच्छा पैसा बन सकता है, जो मेरे पास अपडेट है मैंने आप लोगों को शेयर कर दी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।